मैं अगर आपसे आज ये पूछूं कि मोटिवेशन क्या है आपके लिए, हो सकता है आप कहें अच्छी सैलरी, अच्छा घर या अच्छी लाइफस्टाइल। ये सच है कि ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, लेकिन मोटिवेशन इन सब से कहीं बढ़ के है। मोटिवेशन एक रोशनी है जो हमें रास्ता दिखाती है और आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है। मोटिवेशन सबके लिए ज़रूरी है। हमें जीने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, आगे बढ़ने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। हम बिना मोटिवेशन के कभी भी अपनी खुशी से नहीं जी सकते। मोटिवेशन हमें हमारे जीने की वजह देता है। मोटिवेशन ही है जो हमें सुबह जगाता है और कुछ अचीव करने के लिए बाहर भेजता है। अगर आप मोटिवेटेड नहीं होंगे तो आपका सुबह उठने का मन नहीं करेगा। आप सोचेंगे उठ के करना ही क्या है। मोटिवेशन ही है जो एक एथलीट को कई सालों तक सिर्फ एक गोल्ड मेडल लेने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन ही है जो कई बार फेल होने के बाद भी आपको बढ़ते रहने के लिए हौसला देता है। मोटिवेशन ही है जो एक आम आदमी को खास बनाता है। एक आम आदमी को बिल गेट्स, धीरू भाई अंबानी और महेंद्र सिंह धोनी बनाता है। मोटिवेशन ही था जिसने दशरथ मांझी को पहाड़ों के बीच से रास्ता निकालने के लिए प्रेरित किया। मोटिवेशन ही था जिसने एक लड़की को पैर न होने के बावजूद भी माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए प्रेरित किया। मोटिवेशन हमें एक दिशा देता है जिसको फॉलो करके हम सक्सेस और हैप्पीनेस को पा सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से आपके मोटिवेशन के बारे में एक वीडियो बना के भेजने को कहा था, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से आपके मोटिवेशन को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें भी मोटिवेट कर सके। हमें इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े और हमारे पास काफ़ी सारे वीडियोज़ भी आए जिसमें लोगों ने ये बताया कि उनके लिए मोटिवेशन क्या है और वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं। उन्हीं में से एक वीडियो हमें अमित जी ने भेजा है, जो मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हैं, और मैं इनकी वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं अम्मी जी के लिए मोटिवेशन क्या है और वो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम अमित करना है। मैं मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर हूँ और मैं जब छुट्टियों में होता हूँ तो मैं सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता हूँ। मैं अपनी निजी जिंदगी में या प्रोफेशनल लाइफ में या फिर सामाजिक क्षेत्र में काम करते हुए अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रख पाता हूँ, ये वीडियो मैंने ये बताने के लिए बताया है, ताकि ये सुन के शायद आप भी मोटिवेटेड हो पाएं और अपनी लाइफ में बेहतर कर सकें। ऐसे तो बहुत सारी वजह हैं और उसके बहुत सारे मायने हैं, लेकिन दो मेन वजह है मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली वजह कि दोस्तों, कोई भी परिवर्तन अपने आप नहीं आ सकता। केवल सोचने से, आलोचना करने से या उसकी जिम्मेदारी दूसरे के ऊपर डाल देने से वो परिवर्तन संभव नहीं। तो कोई भी परिवर्तन अगर आपको चाहिए आपके अंदर, समाज के अंदर, देश या दुनिया के अंदर, तो आपको उस दिशा में एक छोटा सा प्रयास जरूर, कितना भी छोटा प्रयास ना हो लेकिन एक प्रयास जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हजार लोग, लाख लोग, करोड़ों लोग एक छोटा प्रयास करेंगे तो वो प्रयास एक बड़ा प्रयास में बदल जाएगा और जरूर उसका रिजल्ट आएगा। तो ये बात मुझे काफ़ी मोटिवेट करती है और इसलिए मुझे कहीं भी कुछ कमी लगती है तो मैं उस कमी को दूर करने के लिए अपनी तरफ से एक छोटा कोशिश जरूर करता हूँ। एक दूसरी वजह है वो ये कि आप अगर अपने लाइफ को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि आपने अभी तक समाज से बस लिया है, केवल हम बचपन से लेते आ रहे हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अभी आप जो हवा ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, वो भी किसी पेड़ से आया है। और वो पेड़ आपने लगाया है क्या? नहीं, वो पेड़ किसी और ने लगाया है ना, तभी तो आप हवा ले रहे हैं। तो दोस्तों, अभी तक जितने भी रिसोर्सेस का हमने उपयोग किया है वो किसी और ने बनाया है, हमने बहुत कम जगह या फिर नहीं के बराबर अपना योगदान दिया है। तो एक समय के बाद आपको वो लौटाना पड़ता है, तभी समाज में बैलेंस बनेगा। तो ये एक वजह है मुझे, जो मुझे बहुत मोटिवेट करती है। इस वीडियो में अमित जी ने कितनी खूबसूरती से अपने मोटिवेशन के बारे में हमें बताया। इस वीडियो में अमित जी ने दो बातें बताई हैं। पहली ये कि कोई भी चेंज अपने आप नहीं होता। अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोशिश करनी होगी, चाहे वो कितनी भी छोटी कोशिश क्यों ना हो। यस, अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला कल आपके बीते हुए कल से अलग हो और बेहतर हो, तो आपको वो करना होगा जो आपने बीते हुए कल में नहीं किया। अमित जी ने दूसरी बात ये बताई कि हम अपने लिए तो हमेशा करते आए हैं, अब वक्त है कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन अपने समाज की तरफ भी करें। ये भी हमारा ही फर्ज है और इन वीडियोज के जरिए ये थॉट क्यूरेटर की छोटी सी कोशिश है लोगों को मोटिवेट करने की। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो थॉट क्यूरेटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी लोगों की मोटिवेशनल वीडियो भी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा।
बेल के आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। आप भी मुझे अपनी मोटिवेशन वीडियो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वीडियो को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ पाएँ और उन्हें मोटिवेट और इंस्पायर कर पाएँ। अभी के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।